हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, हमारे एमरस लिली पर फ्लावरिंग आ गई है। ये देखिए, ये हमारा, देखिए मैंने इसमें जो है 3 बल्ब्स लगाए हुए हैं, एक दो और ये पीछे तीन। तो देखिए इसमें, देखिए एक ये देखिए, इसमें देखिए फ्लावरिंग स्टिक आ गई, इसमें देखिए फ्लावर आने वाला है। प्लस ये देखिए, ये वाला बल्ब ज़्यादा हेल्दी था तो इसमें देखिए बहुत अच्छी स्टिक आई है, और देखिए कितनी बिल्कुल लंबी भी हो गई है। प्लस अभी तक हमारे इस बल्ब में अभी तक कोई हमें फ्लारिंग नहीं दिख रही है, बट जल्दी इसमें भी फ्लारिंग होगी। सेकेंड, अगर इसमें देखें तो दोस्तों, इसमें देखिए 3 बल्ब लगे हुए थे, देखिए एक दो और ये पीछे एक, 3 बल्ब लगे हुए थे, तीनों में फ्लारिंग शुरू हो गई। इसके देखिए ये एक पफ निकला है और एक पफ ये देखिए ये निकल रहा है, तो इनमें अभी फ्लायरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। मे बी इसमें इस वाले पप में इस साल फ्लायरिंग होगा, क्योंकि इसकी लीप अच्छी खासी है और इनमें अभी फ्लायरिंग नहीं है। ये देखिए इनमें फ्लायरिंग आ गई है। तो दोस्तों, इस समय पर अपने एमरस लिली को अच्छे से वाटरिंग करिए ताकि उनमें जो फ्लावर्स हों वो अच्छे से खिल सकें। इसके लिए देखिए, हमें जस्ट सिंपल वाटर लेना है, इसमें हमें कोई और फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से सिंपल वाटरिंग करेंगे, बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगा। देखिए हमने वाटरिंग करी और इसका पानी देखिए बिल्कुल नीचे देखिए जा रहा है धीरे धीरे, और इसमें भी देखिए हमने वाटरिंग कर दी, देखिए इसका ही पानी देखिए बिल्कुल नीचे चला गया। तो हमें इसको तब तक वाटरिंग करनी है जब तक इसका बिल्कुल अच्छे से पेट ना भर जाए। या तो आप इसको पानी में जो डिप करके रखते हैं वो वाला मेथड आप यूज कर सकते हो। और इसमें भी देखिए, इसमें भी हम यही सेम कर रहे हैं कि इसमें भी लगातार हम वाटरिंग कर रहे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से ये मॉइस्चर को कंटेन कर लें। देखिए अच्छे तरीके से देखिए ये मॉइस्चर ले रहा है। प्लस देखिए, अगर स्टिक अगर जो है प्लांट में अगर नाइट्रोजन की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो है जो स्टिक होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती हैं। अगर ज़्यादा लंबी हो जा रही हैं तो आप उनमें कोई एक स्टिक, ऐसे जो बैम्बो स्टिक्स आती हैं उनको लगा दीजिए, या आपके पास कोई सी भी स्टिक हो आप उसको लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसमें भी देखिए ये देखिए लगा दी और इसको बांध दिया, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। मतलब ये मतलब इसको स्ट्रेट खड़ी रखने के लिए हेल्प करेंगी, और जितना जितना ज़्यादा बड़ा आपका बल्ब होगा उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। दोस्तों ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, मैंने देखा है कि जो नए पप्स होते हैं उनमें तो फ्लावरिंग और भी अच्छी आती है। प्लस जो सीड से बनाए हुए होते हैं, आप उनको अगर क्रॉस पॉलिनेशन करना आता है तो नई तरीके की जो वाटर लिली निकल करके आती है। क्योंकि देखिए जो इसमें जो ये वाली जो वाटर लिली लगी, ये वाटर लिली ये मेरे सीड से तैयार हुई है। पिछले साल जो है मैंने 3 सीड्स लगाए थे, मुझे 3 सीड्स मिले थे, तो 3 में से एक ही सीड्स निकला है। तो इसमें दोस्तों जब मेरी फ्लावरिंग हुई थी, जब लास्ट ईयर ही फ्लावरिंग हो गई थी दोस्तों, मैंने इसको फरवरी के महीने में मेरी फ्लावरिंग हो गई थी, तो मेरे आज फरवरी लास्ट में मुझे सीड्स मिल गए थे, मैंने उसी टाइम इसके सीड्स लगा दिए, तो मुझको अक्टूबर में इसकी जो है फ्लावरिंग मिल गई थी। मे बी इस वजह से ये अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, हो सकता है कि कोई 1 महीने बाद लगभग करे, या मे बी ये उसी टाइम पे ही करेगा, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और देखिए लेकिन बल्ब की ग्रोथ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैंने बल्ब को थोड़ा डीपली लगाया हुआ है। ये देखिए हमने भी लगातार देखिए हमें इनमें वाटरिंग करनी है। दोस्तों सीड से भी लग जाते हैं ये, मुझे जो एक नए तरीके एक नए कलर का जो है इसमें मिला था, मतलब उसमें रेड में ही था, लेकिन रेड में एक जो व्हाइट वाली आती है ना, व्हाइट वाली से मैं इसके वो लेकर के आया था, मतलब फ्लावर लेकर, मुझे फ्लावर मार्केट में मिल गया था इसका, तो फ्लावर लेकर के आया था, तो मैंने उससे इसको क्रॉस पॉलिनेट कराया था। ये जो हमारा मेन बल्ब था, सबसे बड़ा बल्ब था ये बहुत सबसे बहुत बड़ा बल्ब है, तो उसमें इसमें इसकी फ्लावरिंग में मैंने क्रॉस पॉलिनेट कराया था, तो अच्छे खासे हेल्दी सीड्स मुझे मिले थे, तो 3 में से मेरा एक सीड्स ग्रो हो गया था। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा तरीका, तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।